174 वर्ष पुरानी ये इमारत है। यहाँ के लिए एक फ्री बस सेवा शुरू की गई है। शिमला में राष्ट्रपति निवास शिमला से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर छराबड़ा में मौजूद है। जो वॉइस रहे थे उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया। जो अंग्रेजी वॉइस रहे थे, अधिकारी थे, वो यहाँ पर छुट्टियां मनाने आते थे, शिकार करने आते थे। 23 अप्रैल 2023 को इस इमारत को लोगों के लिए खोल दिया गया था। हम इस समय शिमला के राष्ट्रपति निवास में मौजूद है। शिमला में राष्ट्रपति निवास शिमला से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर छराबड़ा में मौजूद है। इस इमारत का अपना एक इतिहास है। 174 वर्ष पुरानी ये इमारत है, हमारे बिल्कुल पीछे है। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो साथी है वो इसको दिखाए, और इन्फो के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको वीडियो बनाकर देंगे। और यहाँ पर कुछ खास बातें हैं। एक तो ये बिल्डिंग है वो बिल्कुल बहुत खास है। इसके साथ ही यहाँ पर एक ऐसी घड़ी है जो बंद है लेकिन फिर भी समय बताती है। इसको हम हिंदी में अगर कहें तो सूर्य घड़ी कह सकते हैं। और इसके पीछे बिल्कुल सामने जो है ये पेड़ है। इन पेड़ों को ये कॉपर बीच नाम के दो पेड़ है, और दो पेड़ यहाँ पर है। एक पेड़ राष्ट्रपति भवन के बाहर है और वो पूरा कैंपस जो है राष्ट्रपति भवन में ही आता है। तीन पेड़ है और पूरे इंडिया में अगर बात करें 5 पेड़ है। उसमें से एक पेड़ चायल पैलेस में लगा है, एक पेड़ वाइल्ड फ्लावर हॉल में। ये 5 पेड़ है। ब्रिटिश शासक हुआ करते थे, वो इन पेड़ों को यहाँ पर लाए थे। और पूरे देश में अभी तक जो है ये केवल 5 ही पेड़ है। ये राष्ट्रपति भवन के बाहर एक बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर लॉन है और यहाँ पूरा अच्छा बगीचा है। ट्यूलिप के फूलों को आप देख सकते हैं मौजूदा समय में, हालांकि गुलाब और कुछ अन्य जो फूल है वो यहाँ पर है। इस इमारत का इतिहास कुछ इस तरह से है कि 1850 में कोटी के राजा के द्वारा इसको बनाया गया था। उस समय जैसे हम अभी आपने इससे पहले तस्वीरें देखी, वो सिंगल जो है फ्लोर हुआ करता था, यानी एक ही फ्लोर हुआ करता था। लेकिन बाद में 1874 में जिस तरह से ब्रिटिश शासकों ने इसको लीज पर लेना शुरू किया, उसके बाद इस इमारत को बढ़ाया गया, 2 फ्लोर इसके बनाए गए। कुछ फोटोज हम स्क्रीन पर दिखाने का भी यहाँ पर प्रयास करेंगे कि क्या क्या जो इस इमारत में मॉडिफिकेशंस की गई, चेंजेस किए गए। और क्योंकि बाद में वाइसराय ने इस पर कब्जा कर लिया था, जो आखिरी का जो दशक था, उस आखिरी दशक में यानी 19वीं सदी का जो आखिरी दशक था उसके अंदर यहाँ पर ब्रिटिश जो वॉइस रहे थे उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया। उससे पहले ये कोटी के राजा से लीज पर लिया करते थे। पहले जो भी इसमें मॉडिफिकेशन होनी होती थी कोटी के राजा के साइन उस पर होते थे, यानी एज अ ओनर हम कह सकते हैं, एक मालिकाना तौर पर कोटी के राजा के यहाँ पर साइन हुआ करते थे। उसके बाद इसमें मॉडिफिकेशंस होते थे। जो अंग्रेजी वाइस रहे थे, अधिकारी थे, वो यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने आते थे, शिकार करने आते थे, और छुट्टियों का समय एक उनका इस पूरे जो इस राष्ट्रपति निवास है उसमें बीता करता था। आज़ादी के बाद क्या हुआ कि ये वाला राष्ट्रपति निवास और जिसे हम आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के रूप में जानते हैं, वो दोनों इमारतें राष्ट्रपति के अंडर आ गई। राष्ट्रपति के अंडर आने के बाद इन दोनों इमारतों में से पहले वाइस रीगल लॉज यानी एडवांस स्टडी के नाम से जिसको हम जानते हैं वो राष्ट्रपति निवास हुआ करता था। उसके बाद क्या हुआ कि बदलाव किया गया। 1966 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने उस इमारत को, क्योंकि वो बहुत बड़ी इमारत थी और उसके मेंटेनेंस पे बड़ा ज़्यादा खर्च आता था और राष्ट्रपति का जो दौरा होता था वो 4 से 5 दिन अधिकतर रहता था हिमाचल के अंदर, तो उन्होंने उसको बदलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को उस बिल्डिंग को दे दिया। और ये जो इमारत है जिस समय यहाँ पर हम जो मौजूद है छराबड़ा में है, शिमला से 15 किलोमीटर दूर है, उसके बाद से यही आधिकारिक राष्ट्रपति निवास है। समर वेकेशंस पे या हम कहें कि जो गर्मियों का प्रवास होता है राष्ट्रपति का, उसके लिए राष्ट्रपति यहाँ पर पहुँचती है। पिछले साल 23 अप्रैल 2023 को इस इमारत को लोगों के लिए खोल दिया गया था। अब खास बात क्या है? खास बात ये है, आखिर में हम आपको ये बता रहे हैं, खास बात ये है कि यहाँ के लिए एक फ्री बस सेवा शुरू की गई है। अभी पर्टिकुलर टाइमिंग्स ये है कि 9:30, 12:30, 4 और 1:30 बजे जो है ये 4 राउंड लगाती है, लेकिन फिलहाल ये ट्रायल तौर पर है और इस बस को शुरू किया गया है। फ्री बस सेवा है, शिमला से लिफ्ट से आपको मिलेगी और छराबड़ा तक ये बस जो है आपको छोड़ेगी और फ्री में है। उसके बाद आपको अंदर आने का जो टिकट है 50 रुपये लगता है, 250 रुपये फॉरनर्स के लिए है, 250 रुपये, और आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ का जो लॉन है, बाहर का जो एरिया है उसको घूम सकते हैं। एक जो नीचे वाला जो फ्लोर है राष्ट्रपति भवन का उसमें आप जा सकते हैं, बिल्कुल जहाँ पर कई तरह की तस्वीरें, सभी राष्ट्रपति की तस्वीरें लगी है और कई ऐतिहासिक चीज़ें राष्ट्रपति भवन के अंदर लगाई गई है, उनका आप आनंद उठा सकते हैं। तो ये हमने पूरी हिस्ट्री आपको राष्ट्रपति भवन की बताने का प्रयास किया है और पूरा जो जानकारी है इस वीडियो के अंदर देने का प्रयास किया है। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, जानकारी के साथ जो वीडियोस आप सभी के बीच में लेकर आते हैं, ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहे इन्फो। धन्यवाद।